बार जो आप कह रहे हैं कि हम लोग आंदोलन की तैयारी कर रहे हैं, तो इस आंदोलन में भी कौन कौन से प्रमुख रूप से बिंदु हैं जिन बिंदुओं को लेकर के आप आगे बढ़ रहे हैं? हमारी 3 सूत्रीय मांग है, जिसमें प्रथम मांग है प्रांतीयकरण, दूसरी मांग है CSR का फंड, जो CSR का फंड है वो गरीब इलाकों के लिए है और गरीब लोगों के लिए है, जरूरतमंदों के लिए है, ना कि अमीरों के लिए है। CSR का फंड सही जगह उपयोग हो और CSR फंड की जांच कराई जाए, क्योंकि जिस प्रकार से DAV CSR फंड का गलत इस्तेमाल कर रही है, हम कह रहे हैं विद्यालय आप 36,000 में दिए, 10,000 में दिए, 1,000 में दिए, कोई मतलब नहीं। विद्यालय को जब आप इतनी कम दाम में बेचे, कुछ भी किए, हमको उससे कोई मतलब नहीं है। विद्यालय को आप फ्री में दे दीजिए, लेकिन फीस 9 के बराबर लीजिए, क्योंकि CSR के पैसे से आप बहस कर रहे हैं। फीस एकदम मिनिमम रखिए, 10 रुपये 5 रुपये, जो पहले की फीस थी आप अभी CBSE बोर्ड से उसको संचालित करिए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आपका कहना है कि जो CSR का पैसा है जरूरतमंद लोगों में खर्च होना चाहिए, न कि उससे किसी प्रकार का कोई धंधा या कोई व्यवसाय किया जाए। आप पैसा दीजिए और पता लगा कि जिस संस्था को आप पैसा दीजिए वो बहुत ज़्यादा फीस लोगों से वसूले, यह ठीक नहीं। और इसके आगे बताइए। लेकिन जिस विद्यार्थी ने 10 रुपये 5 रुपये दे करके पढ़ा है, अगर उसका कल का भाई पढ़ना चाहेगा तो उसको 6,000 रुपये देना पड़ेगा, तो जाहिर सी बात है उसके ऊपर क्या बीतेगी। आप ये देखिए कि अभी फिलहाल में कुछ विद्यार्थियों का 5,720 रुपये फीस रसीद कटा, इसी से अनुमान लगा लीजिए कि जब हम बात करने गए थे तो ओबरा इंटर कॉलेज के प्रिंसिपल, ओबरा इंटर कॉलेज के मैनेजर जो DAV में वर्तमान में है, तो DAV के प्रिंसिपल, DAV टीचर यही बोलते हैं कि मिनिमम फीस रहेगी, फीस मिनिमम है ये आपके लिए, तो हमारे लिए मिनिमम ये नहीं है। आज गरीब आदमी के लिए 6,000 रुपये क्या मायने रखता है वही जानता है। शिक्षा निःशुल्क होनी चाहिए, चाहे जंगल में ही 2 विद्यार्थी बच्चे हों, लेकिन वहाँ पर भी स्कूल बना करके पढ़ाने का अधिकार है, वहाँ पर भी सरकार पढ़ाती है। लेकिन ये इलाका इतना पिछड़ा हुआ है, यहाँ पे हमको तो यही नहीं समझ में आ रहा है, इलाका पहले से पिछड़ा है, लेकिन शिक्षा के अभाव में आकर के, या फिर कह लीजिए कुछ भी कह लीजिए, यहाँ के लोग अपने फंडामेंटल राइट्स को नहीं जान रहे हैं, अपनी बातों को कह नहीं पा रहे हैं। ऐसा थोड़ी है कि DAV हमको धमकी दे दी तो हम पीछे हट गए, नहीं, हम जान रहे हैं आप जिस तरीके से लड़ाई लड़ रहे हैं, हम भी उसी तरीके से लड़ाई लड़ रहे हैं। आप हमसे नहीं बात करेंगे कोई बात नहीं, हम कहीं और बात करेंगे। हर चीज़ का एक तरीका होता है, हर चीज़ का एक प्लेटफॉर्म होता है, हम जहाँ तक होगा आवश्यक वहाँ तक हम जाएंगे और अपनी बातों को रखेंगे। आपको हमारे साथ अगर हमको रोकना है तो आप हमको मरवा दीजिए, कुछ भी कर दीजिए, हमारे साथ कुछ भी करिए, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता, एक आनंद जाएगा तो कोई परवाह नहीं है। लेकिन अगर कल हजारों विद्यार्थियों का भविष्य बन जाएगा तो उससे मेरा जीवन मैं मानूंगा कि मेरा सफल रहा, मुझे कोई और कुछ नहीं चाहिए। लेकिन आज इस स्थिति में आकर के आपसे अगर कोई सवाल करने जाता है तो आप उसके साथ बदतमीजी करें, आप उसको थाने में डलवाने की धमकी दें, आप उसके साथ ऊपर मुकदमा लगवाने की धमकी। समय भी निश्चित किया है क्या, कोई ज्ञापन भी दिया है, कब से आंदोलन करेंगे इसके बारे में मुझे बताइए, क्या उसकी सूचना है? अगर ज्ञापन की बात करें सर, तो ज्ञापन ये रहा, हम लेटर भी रिसीव करवा चुके हैं और कहां पर? SDM ऑफिस में, SDM ओबरा। ओबरा जी जी। समय क्या दिया हमने? लगभग 1 सप्ताह का हमने समय दिया है उनको। जी जी। क्या स्थान भी आपने निश्चित किया है कि अभी नहीं किया? अभी स्थान सर निश्चित नहीं किया है। हाँ। स्थान निश्चित करके हम इस पे राय विमर्श करके, और आंदोलन का स्वरूप क्या होगा, धरना देंगे या अनशन का है, किस प्रकार का आपका स्वरूप होगा? स्वरूप हमारा धरने का ही होगा, धरने का होगा। जिस प्रकार से हमने पिछली बार धरना दिया था उसी प्रकार से हम दोबारा धरना देंगे, और इस पर इस विषय पर बोलने के लिए हम सभी को आमंत्रित भी कर रहे हैं कि आप आएँ और अपनी बात को, एक प्लेटफॉर्म हम दे रहे हैं उनको कि आप अपनी बात को रखें। अगर वहाँ पे DAV में कोई नहीं सुन रहा है तो आप यहाँ आकर के बात करें, यहाँ पे मीडिया सुनेगी, पब्लिक सुनेगा, सभी सुनेंगे। और ऐसा नहीं है कि अगर किसी की आप आवाज़ दबा लें तो आप इतना तानाशाही करेंगे कि आप किसी की आवाज़ दबा लेंगे। आज प्लेटफॉर्म है, मीडिया है, सोशल मीडिया है, हर प्रकार से हम अपनी बात को कह सकते हैं। आप नहीं सुनेंगे तो आप मत सुनिए। हम उन दर्शकों को बता दें कि उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में ओबरा नगर अवस्थित है और
संघ सरकार और प्रांतीय सरकार की भी निगाह में हमारा जनपद जो सोनभद्र जनपद है पिछड़े जिले में आता है। और काफ़ी कुछ अभी कुछ दिनों पहले तक, कुछ वर्षों पहले तक यहाँ उग्रवाद के भी चपेट में रहा है, नक्सल प्रभावित गतिविधियाँ यहाँ होती रही हैं, साक्षरता की दर काफ़ी कम है, गरीबी ज़्यादा है, लोगों के पास रोजगार नहीं है, साफ पानी पीने के लिए नहीं है, शिक्षा की व्यवस्था नहीं है, ये विविध प्रकार की समस्याएँ इस कारण से इसको मोदी सरकार में, योगी सरकार में पिछड़े जिले में रखा गया है। यह यहाँ की मूलभूत समस्या है। और वही दूसरी तरफ यह भी हम सभी जान लें कि ओबरा में भी कोई राजकीय इंटर कॉलेज नहीं है, चोपन में भी नहीं है, और आसपास कोई भी ऐसा इंटर कॉलेज नहीं जहाँ पर बच्चे कम पैसे में पढ़ सकें, यहाँ की मजबूरी है। इस तरह की व्यवस्था बच्चों को नहीं मिलेगी जहाँ पे वे कम पैसे में पढ़ सकें, स्वाभाविक है कि उनकी शिक्षा दीक्षा प्रभावित होगी, और वे जब कोई रास्ता नहीं मिलेगा तो स्वाभाविक है कि बाध्य होकर के किसी और ऐसे रास्ते में जा सकते हैं जिससे समाज, राष्ट्र, देश का नुकसान हो सकता है। हम आनंद जी आपसे उम्मीद करेंगे कि जब बड़ी लड़ाई लड़ी जाती है तो वहाँ पर किसी व्यक्ति विशेष के विरोध का कोई मतलब नहीं रहता। यह हो सकता है कि कहीं किसी कॉलेज का कोई प्रिंसिपल हो, उसके स्वभाव में उस तरह की चीज़ें हो, वह ऐसा रिएक्शन कर दिया हो, उन्हें भी बचना चाहिए इस तरह की प्रतिक्रिया देने से, क्योंकि दायित्व तो प्रमुख होता है व्यक्ति का। और दूसरी तरफ चाहे उच्च शिक्षा हो चाहे इंटर कॉलेज हो, प्रत्येक जगह पर शिष्यों को भी गुरुओं का सम्मान करना चाहिए, और जो गुरु गुरुजन हैं उन्हें भी अपनी मर्यादा में रख करके अपनी वाणी का प्रयोग करना चाहिए, और जहाँ तक हो सके वह विद्यार्थियों के हित की बात करें। और जहाँ तक इंटर कॉलेज की बात है, आपने बताया कि शिक्षकों के साथ वहाँ अन्याय हो रहा है, जो संविदा के शिक्षक थे उनको हटा दिया गया, यहाँ तक कि कई विषयों की वहाँ पढ़ाई नहीं हो रही है, साफ पानी की व्यवस्था नहीं है, और इसके पहले शिक्षकों ने भी बहुत सी चीज़ें लिखी थी कि एक ही बाथरूम में जाना पड़ता है, दूसरी तरफ उनके चलने पर कमेंट किया जाता है, पढ़ाने नहीं आता, इस तरह की प्रतिक्रिया व्यक्त की जाती है बच्चों के सामने जो अमर्यादित कही जा सकती है। कंप्लेन भी हुई थी, जांच की बात होती थी, जांच में क्या हुआ अभी तक वह प्रकाश में नहीं आया है। हम आनंद जी आपसे अपेक्षा करेंगे कि आप शांतिपूर्वक कानून के दायरे में रह करके प्रशासनिक अधिकारियों को सूचना देकर के और बड़े ही मर्यादित तरीके से, सही तरीके से आप अपना आंदोलन चलाएं। जनहित की बात करना लोकतंत्र के लिए बहुत ही सार्थक सिद्ध होता है। आपने मुझसे बातचीत की, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।